अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम कुछ इस तरीके के डिज़ाइनर गला बनाएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से कम वक्तों में बन जाता है और बहुत ज़्यादा कपड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलो इस डिज़ाइनर गला को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों हमने ये गले को कट कर लिए हैं इस तरह से, और उसके बाद हम पेपर की कटिंग करेंगे और इसके गले की पट्टी की कटिंग करेंगे। दोस्तों इस गले की पट्टी की कटिंग करने के लिए जो गले का कपड़ा निकला था ये हमने इसको इस पर रखे, जो बीच के हिस्से से गले का कपड़ा निकला था इसको रखे और यहाँ पे निशान एक लगाए उसकी साइज का, और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े का ये लगा के हमने ये गले की पट्टी का निशान लगा लिए हैं। और उसके बाद ये कट कर लेंगे। ये हमारा बड़ा गला जो अभी कटा है उस पे की पट्टी की कटिंग हुई है। तो जिस तरह गले की पट्टी कट किए थे इस कपड़े को रखकर, उसी तरह हम इसकी कैनवेस की भी कटिंग कर लेंगे। गले की पट्टी 1.5 इंच चौड़ी थी लेकिन इसको 1 इंच चौड़ी कटिंग करेंगे। तो हमने इसको निशान लगा ली है इस पर इस तरह से, और हम यहाँ से कैनवेस को इस तरह से कट कर लेंगे। कटिंग हो गई है ये गला, और इसको कैनवेस के इस पे लगा के और फिर इस पे जिस तरह गला बनाते हैं उसी तरह इसको बना लेंगे। और उसके बाद इसकी हम पट्टियाँ कटिंग करेंगे। और उसके बाद ये जो गले की पट्टी कटिंग हुई थी बीच की, उस पे रख के कटिंग की है कैनवेस वगैरह। अब हम इस पेपर पर रखेंगे और पेपर को हम एक बार फोल्ड कर दिए हैं। और उसके बाद ये हम बराबर करते हुए इस पर भी उसी तरह ऐसे ही निशान लगा लेंगे। ये देख लीजिए हमारे निशान लग चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर 1.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। दोस्तों दोनों निशान हम लगा चुके हैं, यानी हमारी ये 2.5 इंच पे निशान है। और उसके बाद जो ये 4 इंच की पट्टी कटिंग हुई थी बीच की निकल गई थी वो रखे थे। और ये हमारा गला यहाँ से पहले निशान पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7 आता है, और इसी तरह इसमें 1.5 इंच जो जमा था उसी हिसाब से अब हम इस गले की पट्टी पर ही अपनी पट्टी लगाएंगे। दोस्तों ये निशान पूरे कम्प्लीट हो चुके हैं। पहले ये जो फोल्ड था एक तरफ निशान थे एक तरफ नहीं थे, तो इसलिए मैंने इस तरफ फोल्ड करके दूसरी तरफ भी इसी तरह कपड़ा को रखते हुए मैंने एक निशान लगाई, और उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच पर निशान लगा के ये निशान पूरी गोलाई के आकार में कंप्लीट हो चुकी है। और इस पर पट्टी लगाते हैं। इन पट्टियों की कटिंग कुछ इस तरह से होगी कि इसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच लगाए हैं निशान, और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। जितनी भी लंबी पट्टी हो उतना कट कर लेने का, क्योंकि फिर उसको हम पीस पीस में कटिंग करके लगाएंगे। ये देख लीजिए 1.5 इंच चौड़ी, और इसी पे मैं सारी पट्टियों को कटिंग कर लूँगी। हमने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं, और उसके बाद हम इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह इधर से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इधर से करेंगे, फिर उसके बाद इसको इतनी पतली सी पट्टी बना देंगे और इस पे एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरह पूरी पट्टी को हम सिल लेंगे। देखो दोस्तों ये गले की पट्टी पे वो जो हम सिलने का बोले थे इस तरह से ये पट्टियाँ हमने सिल ली, और इसको 2.5 इंच की कटिंग कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम बीच के हिस्से पर इस तरह से रखेंगे, और इसी तरह तमाम पट्टियों को हम रखते चले जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन बनाते चले जाएंगे। चलो इसको मशीन पे लगाते हैं। दोस्तों अभी हम इस तरह से लगाएंगे। ये इस तरह से एक तरफ की पट्टी लग चुकी है। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी अब पट्टी शुरू करेंगे लगाना। देंगे इसी तरह से जैसे ऊपर की पट्टी लगाए हैं उसी गोलाई पर हम इसी तरह सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये इस तरह से अपना कुछ गला पे ये पट्टी लग चुकी है। उसके बाद ये हमने 2 निशान लगाए थे, एक नीचे एक ऊपर। अब दूसरे निशान पे भी इस तरह हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये पट्टी एक जगह अच्छे से बैठ जाए। ये हमारी दूसरी सिलाई लग रही है। ये जगह को सेट करते हुए लगाएंगे सिलाई को। इसी तरह पूरी सिलाई यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। ये दूसरी सिलाई भी लग चुकी है अच्छे से। ये हमारी देखो पट्टी
एक जहाँ बैठ गई है, उसके बाद इसमें हम गले में लगाएंगे। गले में जो नीचे की पट्टी है पहले गले की पट्टी लगाएंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो ये कैनवेस हमने इसमें लगा लिए हैं गले में, और उसके बाद इसको इस पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये पट्टी करने के बाद ऐसा दिख रहा है। इसके बाद हम यहाँ से किनारे से जो एक्स्ट्रा हिस्सा है कट कर देंगे। पाँव इंच छोड़ते हुए सिलाई के बाद पर इस तरह से गले को लाएंगे, इसी पे रखेंगे बीचों बीच, जिस तरह बीचों बीच से पट्टियाँ लगाए थे इस तरह से ऐसे रखते हुए ऐसे यहाँ तक पूरा सिलाई लगा लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह इसी बराबर से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ सिलाई लग रही है, इस तरह से हम यहाँ तक पूरी लास्ट तक सिलाई लेकर आ जाएंगे। अब ये हमारा गला इसमें अटैच हो चुका है कमीज़ में। अब उसके बाद हम ये बीच के हिस्से को कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये बीच के कैनवेस को कटिंग करके पूरी यहाँ से यहाँ तक गोलाई कट करके निकाल लेंगे। इसमें पट्टी लगाने के लिए 2 इंच चौड़ी हम ये क्रॉस पट्टी कट करेंगे इस तरह से, यानी आड़ी पट्टी जो बोलते हैं। ये देखो इस तरह से ये कपड़ा होता है आड़ी पट्टी में। अब इसको हम गले पे लगाएंगे। इस गले पे हम पट्टी कुछ इस तरह लगाएंगे। ये पट्टी हमारी है, इस पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको हम डबल फोल्ड किए उसके बाद इस पे रखेंगे गले की गोलाई के हिस्से पर। इस तरह पूरी गोलाई पर लगाते चले जाएंगे पट्टी को बराबर करते हुए। पाइपिंग को हमने पहले सुई धागा से कच्चा कर लिए हैं। अब उसके बाद सीधे इसी की तरह से यहाँ से इसके ऊपर से ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलो सिलो मशीन चलाते हुए पाइपिंग के किनारे हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। हमारा गला बनकर तैयार इस तरह से। ये पट्टी गले में जितने चौड़ी पाइपिंग लगाना हो उतनी ही चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे। जैसे पतली लगाना है तो 2 इंच और उससे चौड़ी लगाना है तो 3 इंच। तो हमने में उस चौड़ी लगाना था इसलिए हमने 2 इंच वाली पट्टी को हटा के हम 3 इंच की पट्टी फिर से कटिंग की है और इसमें लगा दिए ताकि हमारी ये पाइपिंग थोड़ा सा चौड़ी हो जाए। ये देखो दोस्तों, इसको अब हम निकाल देंगे। इसमें से जो पेपर लगा हुआ है इसको इस तरह से पेपर को अच्छे से साफ करके हटा देंगे यहाँ से। ये देखिए इतना जो पेपर ये निकला है, इसी तरह सारे पेपर को निकाल देंगे। इसके सारे पेपर को मैंने निकाल दिए हूँ और उम्मीद है कि ये डिज़ाइन बनाने के गला का तरीका आप सबको समझ में आ गया होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। बेल आइकन को भी दबाना ना भूले ताकि तमाम वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आप सबको ये तरीका सीखने में आसान लगा या उससे भी आसान तरीका मैं आप सबको सामने शेयर करूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।